दोस्तों आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूं। यहां पर जैसा कि आपको मालूम हो ही गया होगा कि माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने कुछ गांवों के लगभग 40 बूथों पर दोबारा इलेक्शन कराए जाने की मांग की है। आखिर ऐसा क्यों, ये तो मंत्री जी ही जानते होंगे, लेकिन हमारे प्रशासन ने सभी जगह पर चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराया है, फिर भी मंत्री जी ऐसा चाहते हैं, पता नहीं क्यों। दूसरी सोचने वाली बात यह है कि इलेक्शन हुआ 10 फरवरी को और एप्लीकेशन दर्ज की जा रही है 12 फरवरी को। अगर ऐसा कुछ था तो एप्लीकेशन 11 फरवरी को ही दर्ज करा देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मंत्री जी चाहते हैं कि इन गांवों के, मैं आपको कुछ गांवों के नाम बता देता हूं, भैसानी सलामपुर, शोनता, बुंटा, जलालाबाद और शोधनी उमरपुर, इरशादपुर, टपराना, अंगड़ीपुर, गुर्जापुर, इन गांवों के लगभग 40 बूथों पर मंत्री जी चाहते हैं कि इलेक्शन दोबारा से कराया जाए। तो पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि दोबारा से इलेक्शन हो, क्योंकि हमारे प्रशासन ने जो चुनाव कराया है वो बड़े ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराया है। लेकिन फिर भी यदि दोबारा चुनाव होता है तो आप लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है, जिन भी गाँवों के नाम उस लिस्ट में हैं या जो भी मतदान केंद्र पर दोबारा इलेक्शन होंगे, मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अब की बार आपको अपने एक एक वोट का प्रयोग करते हुए, जो वोट अब की बार छूट गया था उस वोट का भी प्रयोग करते हुए आपको अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। अर्थात यदि अब की बार जो अब इलेक्शन हुए थे उनमें आपकी परसेंटेज यदि 80% रही हो तो अब की बार आपको अपने एक एक वोट की महत्वपूर्णता समझते हुए अपनी परसेंटेज को 90% से ऊपर लेकर के जाना है। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर इलेक्शन दोबारा होता है तो आप वोटिंग परसेंटेज को ज़रूर बढ़ाएंगे, एक एक वोट का उपयोग करेंगे और बताएंगे कि आपके एक वोट की पावर क्या होती है। शुक्रिया।